ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम गाथा आकाशवाणी के साथ। जय हिंद, जय हिंद। स्वाधीन भारत का गौरवशाली अभिवादन। रोम रोम को गर्व से भर देने वाले ये दो शब्द हैं मद्रास निवासी सी पिल्लई के। ये संयोग ही था कि 1933 में नेताजी से पिल्लई की भेंट हुई और उनके ये अनूठे शब्द नेताजी को छू गए और जय हिंद बन गया स्वाधीनता का जय घोष। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी का नाम आते ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बरबस याद आ जाता है। उनके एक भाषण का हिस्सा है ये ओजस्वी नारा, जिसे नेताजी ने 22 सितंबर 1944 को आजाद हिंद फौज के शहीदों की याद में दिया था। हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्वतंत्रता की देवी की मांग है। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस में बचपन से ही राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। गुलामी की जंजीरों में बंधे भारत की तस्वीरें उन्हें बेचैन करती रहीं। ये बेचैनी ही उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की प्रेरणा बनी। आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा था, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है, तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। नेताजी की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल के प्रिंसिपल बेनी माधव दास का, जहां उन्होंने 1909 में दाखिला लिया था। उनके असर से उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य पढ़ डाला, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता दिखी कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जहां 1916 में वे पहुंचे। यहीं शिक्षकों से झगड़े में छात्रों का नेतृत्व नेताजी ने संभाला, लेकिन नेताजी के व्यक्तित्व को एक नया रूप मिला ब्रिटेन में जब वे कैम्ब्रिज में पढ़ने पहुंचे। यहां उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन विदेशी सरकार की चाकरी को नामंजूर कर दिया। मशहूर इतिहासकार कपिल कपूर कहते हैं, आजाद हिंद सरकार वॉज द ओनली गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ ए कंट्री, एंड आई से इट ऑफ ए कंट्री बिकॉज इट फंक्शन फ्रॉम इंडिया, यू नो, हैड एवरीथिंग व्हिच नेवर सरेंडर्ड टू द एलाइड फोर्सेस। वो दौर गांधी का था, इसलिए उन पर भी गांधी जी के विचारों का असर पड़ा और भारत लौटते ही उनसे मिलने मुंबई जा पहुंचे। 20 जुलाई 1921 को महात्मा जी से भेंट के बाद नेताजी ने खुद को स्वाधीनता आंदोलन को समर्पित कर दिया। गांधी जी की सलाह पर कोलकाता लौटकर वे देशबंधु चितरंजन दास के साथ काम करने लगे। सुभाष चंद्र बोस को 11 बार अंग्रेज सरकार ने जेल भेजा, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई, इतनी कि 1930 में जेल में रहते हुए ही वे कोलकाता के महापौर चुन लिए गए। कोलकाता में नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट लीग की शुरुआत की। 1927 की साइमन कमीशन की भारत यात्रा का देशव्यापी विरोध इसी लीग के बैनर तले हुआ। कोलकाता में इसकी अगुवाई खुद नेताजी ने की। इसी बीच आया 1931 का साल। भगत सिंह की रिहाई के लिए गांधी जी ने आक्रामक कोशिश नहीं की, इससे नेताजी क्षोभ से भर उठे। फिर उनका अहिंसक आंदोलन से मोहभंग होने लगा। इन्हीं दिनों आजादी के आंदोलन में हिटलर और मुसोलिनी से मदद लेने की भी वे सोचने लगे। खराब सेहत की वजह से उन्हें यूरोप जाने की सलाह मिली। 1933 से 1936 तक नेताजी यूरोप में रहे। इस दौरान उन्होंने मुसोलिनी और आयरलैंड के नायक डी वल्लेरा से भेंट की
और स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग मांगा। भारत लौटे सुभाष नौजवानों के चहेते बन गए। उनकी तूती कांग्रेस में भी बोलने लगी, इतनी कि 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वे गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बन बैठे। इससे गांधी जी से उनका मतभेद और बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद उनकी सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया। आजादी की लड़ाई में उन्हें हथियारबंद संघर्ष से परहेज नहीं रहा, नेताजी ने स्वयं कहा है। आई एम ओवरजॉयड टू सी दैट यू हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विनिंग फ्रीडम डज नॉट रेस्ट मियरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर कंट्रीमैन एट होम। इट इज बट नेचुरल दैट दे शुड बेयर द ब्रंट ऑफ द बर्डन एंड दे हैव बीन डूइंग सो ऑलरेडी। बट एट द सेम टाइम एवरी इंडियन नो मैटर where he may be living at the present time has a duty towards his country and he must contribute his due share towards this final victory. साल 1939 ने दुनिया को बदल कर रख दिया। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सशंकित अंग्रेज सरकार ने नेताजी को घर में ही नजरबंद कर दिया। इसे बोस ने अवसर के रूप में लिया और भेष बदलकर चुपके से निकल पड़े। अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। समर्थन जुटाने के सिलसिले में 29 मई 1942 को उनकी हिटलर से मुलाकात हुई, लेकिन उन्हें समर्थन का ठोस आश्वासन नहीं मिला। लेकिन वे इससे निराश नहीं हुए और एक जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी एशिया के लिए निकल पड़े और जा पहुंचे इंडोनेशिया, जहां उनसे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस की भेंट हुई और उनके अनुरोध पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली। इस मौके पर उन्होंने आजादी को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। तब जापानी सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। नेताजी जापान का सहयोग लेने की कोशिश में थे। जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने नेताजी को समर्थन का भरोसा दिया। उन्होंने जापान की संसद को संबोधित किया और अपनी बात दुनिया के सामने रखी। वहां से सिंगापुर लौटे और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। भारत की पहली देसी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में यूं याद किया था। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। सशस्त्र संघर्ष में नेताजी ने नारा दिया था, दिल्ली चलो। इससे उत्साहित आजाद हिंद फौज ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप को आजाद करा लिया। इस बीच नेताजी 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। इसी दौरान आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा पर हमला बोला। उसी दौरान 6 जुलाई 1944 को सशस्त्र संघर्ष को जायज ठहराने के लिए रंगून रेडियो से नेताजी ने गांधी जी को संबोधित किया। इसी मशहूर संबोधन में पहली बार उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। बाद में अंग्रेजी फौजें भारी पड़ने लगी, लिहाजा आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। इस बीच नागासाकी और हिरोशिमा पर अमरीकी अणुबमों के हमले के बाद जापान हार गया। फिर भी नेताजी ने हिम्मत नहीं हारी और रूस से सहयोग लेने के लिए 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया से रूस के लिए निकल पड़े, लेकिन ये उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। आजादी के आंदोलन की जब भी चर्चा होगी, नेताजी के ओजस्वी शब्द हमें याद आते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम गाथा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।